नमस्कार विद्यार्थियों, NIOS के स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर रिंकी, सहायक प्राध्यापक दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय से। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे उसका शीर्षक है समाज एवं विद्यालय में बाल अधिकार हनन। यद्यपि बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु कई तरह के प्रयास किए गए हैं, परंतु बाल अधिकारों के हनन के कई मामले हमारे समाज में प्रकाश में आते रहते हैं, जैसे बाल तस्करी, यौन हिंसा, बाल श्रम, बाल विवाह तथा बालक और बालिकाओं के साथ विद्यालयों में भेदभावपूर्ण व्यवहार आदि। इस क्रम में सबसे पहले हम बाल तस्करी को देखेंगे कि कैसे हमारे समाज में बाल तस्करी द्वारा बाल अधिकारों का हनन किया जाता है। 2014 को अमेरिका द्वारा जारी तस्करी रिपोर्ट TIP के अनुसार मानव तस्करी निम्नलिखित तौर पर परिभाषित किया गया है। सेक्स का अवैध व्यापार, जिसमें एक व्यापारिक यौन क्रिया को धोखाधड़ी या बलात्कार द्वारा प्रेरित किया जाता है, या ऐसा कार्य करने के लिए ऐसे व्यक्ति को प्रेरित किया जाता है जिसकी वर्ष 18 वर्ष न हो पाई हो। अनैच्छिक गुलामी, चपरासी, कर्ज, बंधन या दासता के अधीन करने के उद्देश्य से बल, धोखाधड़ी या बलात्कार के माध्यम से श्रम या सेवाओं के लिए किसी व्यक्ति को भर्ती करना, शरण देना या किसी शर्त पर रखना भी बाल तस्करी के अंतर्गत आता है। बाल तस्करी भारत में एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर कर सामने आई है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट नेशनल प्लान ऑफ एक्शन 2016 के अनुसार 27.5% बच्चे वंचित वर्ग से आते हैं और वो कुपोषण, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, तस्करी और दूसरी अन्य बाल अधिकारों के हनन की घटनाओं के लिए ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। इसका अर्थ यह है कि सामान्य बच्चे तो बाल तस्करी के लिए संवेदनशील होते ही हैं, लेकिन वंचित वर्ग के बच्चे इसके लिए ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। भारत में ऐसी घटनाएं प्रकाश में आई हैं जिसमें एक बच्चे को उसके माता पिता ही द्वारा ही अत्यधिक गरीबी के कारण बेच दिया जाता है। बच्चों का अपहरण करके देश और विदेशों में विभिन्न हिस्सों में तस्करी करने के भी कई घटनाएं प्रकाश में आई हैं। इन बालकों और बालिकाओं से जबरन वैश्यावृत्ति, भिक्षाटन, घरेलू नौकर तथा कई दूसरे तरह के अवैध कार्य करवाए जाते हैं। इसी संदर्भ में यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स के अनुसार भारत में बाल तस्करी बड़े पैमाने पर चल रही है, जो चिंताजनक है। उनके द्वारा जारी किए गए आंकड़ों को हम एक नज़र में देखेंगे। 2007 से 2010 के बीच भारत में मानव तस्करी के कुल मामले के 27% शिकार बच्चे थे। 2010 से 2014 के बीच 3.5 लाख लापता बच्चों में 61% लड़कियों की संख्या थी। 2010 से 2014 के बीच आंध्र प्रदेश में लड़कियों के लापता होने के 11,625 और लड़कों के लापता होने के 6,915 मामले प्रकाश में आए। यह आंकड़ा ये दर्शाता है कि बालिकाएं तस्करी के लिए ज़्यादा संवेदनशील होती हैं। भारत में बाल तस्करी के कई कारण हैं, जिसमें से एक है गरीबी, दूसरा है शिक्षा का अभाव और तीसरा है इसको रोकने की नीतियों का ठीक से पालन ना होना। अब हम यौन हिंसा के विषय में जानेंगे कि कैसे यौन हिंसा के द्वारा हमारे समाज में बाल अधिकारों का उल्लंघन होता है। यूनिसेफ के द्वारा जारी की गई एनुअल रिपोर्ट 2014 के अनुसार लगभग 120 मिलियन 20 वर्ष से कम उम्र की लड़कियां यौन हिंसा की शिकार हुई हैं। भारत के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2016 में बालिकाओं के बलात्कार की घटनाओं में 82% की वृद्धि हुई थी। 2016 में सबसे ज़्यादा बालिकाओं के बलात्कार के केस मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु में दर्ज किए गए। यौन हिंसा के लिए बालिकाएं ज़्यादा संवेदनशील होती हैं, यह तो हम समझ ही चुके हैं, परंतु बालकों के साथ भी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। बच्चे और उनके परिवार सामाजिक कलंक और सामाजिक रूप से बहिष्कृत होने के डर से कई बार इस तरह की घटनाओं को प्रकाश में आने ही नहीं देते हैं। यौन शोषण के लिए नेपाल और बांग्लादेश से महिलाओं और युवा लड़कियों की तस्करी करके भारत में लाना बहुत आम बात है। यहाँ लाकर इन्हें विभिन्न शहरों जैसे कोलकाता, मुंबई और दिल्ली के में स्थित वैश्यालयों में बेच दिया जाता है। ये लड़कियाँ सामान्य तौर पर 9 से 14 साल के उम्र की होती हैं और गरीब परिवारों से संबंधित होती हैं। ना ही इनका अपहरण किया जाता है
और न ही इनको घर से ज़बरदस्ती लाया जाता है, बल्कि इनके माता पिता या घनिष्ठ रिश्तेदारों द्वारा गरीबी के कारण इनको बेच दिया जाता है। अब इसी क्रम में हम बाल हिंसा और उत्पीड़न के संदर्भ में कैसे बाल अधिकारों का उल्लंघन होता है ये समझने की कोशिश करेंगे। यूनिसेफ के अनुसार बाल हिंसा कई प्रकार से की जाती है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, यौन और भावनात्मक हिंसा सम्मिलित हैं। किसी प्रकार की क्षति, प्रताड़ना, यौन हिंसा या नुकसान पहुंचाने के इरादे से बच्चों के विकास की अवहेलना करना भी बाल हिंसा का एक तरीका है। बाल हिंसा बच्चों के मानसिक, सामाजिक और शारीरिक विकास को बाधित करते हैं। अपनी चरम सीमा पर ये कई बार बच्चों की मृत्यु का कारण भी बन जाता है। अब हम बाल श्रम के विषय में जानेंगे। बाल श्रम का तात्पर्य उस कार्य से है जिसमें कार्य करने वाला व्यक्ति कानून द्वारा निर्धारित आयु से छोटा हो। यदि निश्चित उम्र से कम में कोई बच्चा घर के काम या विद्यालय के काम को छोड़कर कोई अन्य काम करता है तो यह अनुचित माना जाता है। भारत के संविधान में बाल श्रम को रोकने या हतोत्साहित करने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की गई हैं, परंतु इसके बावजूद यह व्यापक तौर पर प्रचलन में है। आज भी भारत में बड़ी संख्या में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे चाय की दुकानों, भोजनालय, ढाबे, कारखाने, ईंट की भट्टी, खेतों और घरेलू नौकर के तौर पर काम करते हुए मिल जाते हैं। इनमें से कई खतरनाक व्यवसाय से जुड़े हुए होते हैं। भारत में सेंसस 2011 के मुताबिक 10.1 मिलियन श्रमिक बच्चे 5 से 14 वर्ष की आयु के थे। जून 2011 में यूनिसेफ के अध्ययन में 2000-2009 में किए गए सर्वेक्षणों के आधार पर यह बताया गया है कि दक्षिण एशिया में 12% बच्चे 5 से 14 साल के बीच बाल मजदूरी कर रहे थे। अब हम ये समझ तो चुके ही हैं कि भारत में बाल श्रम बहुत ही प्रचलन में है, एक आम बात है यह। भारत में बाल श्रम के कई कारण हैं, जिसमें निर्धनता, अशिक्षा, बेरोजगारी, कम आय की प्राप्ति आदि शामिल हैं। गरीब परिवारों के बच्चे बाल श्रम करके अपना और अपने परिवार के सदस्यों के लिए धन अर्जित करते हैं और जीवन स्तर को कुछ हद तक अच्छा बनाए रखने में अपने अभिभावकों का सहयोग करने को विवश होते हैं। भारत में जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग अशिक्षित है, जिसके दृष्टिकोण में शिक्षा ग्रहण करने से अधिक आवश्यक है धन कमाना, जिससे बाल श्रम को बढ़ावा मिलता है। इसके अतिरिक्त समाज के स्वार्थी तत्वों और गलत तरीकों से आर्थिक हितों की पूर्ति करने वाले व्यावसायिक संगठनों के द्वारा जानबूझकर प्रतिकूल स्थिति पैदा कर दी जाती है, ताकि उन्हें सस्ती मजदूरी पर बिना विरोध के काम करने वाले बाल श्रमिक आसानी से मिल जाएं। तो विद्यार्थियों, हम लोगों ने बाल श्रम के विषय में देखा, अब हम बाल विवाह के विषय में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। भारत के कई क्षेत्रों में, विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह का प्रचलन है। इस सामाजिक कुरीति के प्रचलन से बच्चों के अधिकारों का हनन होता है। कम उम्र में विवाह होने से बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास ठीक से न होने की संभावना बनी रहती है। बाल विवाह से बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पाने के अधिकार का हनन होता है। इससे हिंसा, उत्पीड़न एवं शोषण के बचाव के मूलभूत अधिकारों का भी हनन होता है। इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे अनपढ़ या अकुशल रह जाते हैं। फलस्वरूप उनके सामने अच्छे रोजगार पाने या बड़े होकर आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। जैसा कि हम जानते हैं, बालिकाओं की स्थिति ज़्यादा बुरी है, परंतु एक बालक का बाल विवाह उतना ही उनके अधिकारों का हनन है जितना लड़कियों के लिए। यह उनके चयन के अधिकार को छीन लेता है एवं उनकी क्षमता और आयु के परे उन पर पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ डाल देता है। भारत एवं मध्य पूर्व के देशों में अधिक उम्र के पुरुष की कम उम्र की लड़कियों के साथ शादी की घटनाएं प्रकाश में आती रहती हैं। इससे बालिकाओं का शोषण तो होता ही है, साथ ही कई बार उन्हें वेश्यावृत्ति के लिए भी बाध्य किया जाता है। परंतु विद्यार्थियों, यह जानकर अच्छा लगेगा कि यूनिसेफ 2016 की एनुअल रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 सालों में बाल विवाह की घटनाओं में तेज़ी से कमी आई है। अब इसी क्रम में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि बालिकाओं के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया भी बाल अधिकारों का हनन होता है।
भारतीय समाज मुख्य रूप से पितृसत्तात्मक है और यहाँ के अधिकांश परिवार पितृसत्तात्मक विचारों को ही पोषित करते हैं। फलस्वरूप बालिकाओं की स्थिति बालकों की तुलना में कम आंकने की संभावना ज़्यादा हो जाती है और कई बार यह परिवार और समाज के सदस्यों के व्यवहार में जाने अनजाने परिलक्षित हो जाता है। कई बार बालिकाओं की विकासात्मक ज़रूरतों की अवहेलना उनके ही परिवार के द्वारा कर दी जाती है एवं उन्हें उचित पोषण और शिक्षा से भी वंचित कर दिया जाता है। जेंडरगत शैक्षिक असमानता इसी बाल अधिकार के हनन के अंतर्गत आता है। भारत और दक्षिण एशियाई देशों में शिक्षा के क्षेत्र में जेंडर असमानता मौजूद है, अर्थात बालिकाओं को बालकों की तुलना में कम और कमतर शैक्षिक अवसर प्राप्त होते हैं और यह लड़कियों और स्त्रियों के जीवन के अवसरों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। इसके लिए समाज और परिवार काफ़ी हद तक जिम्मेदार होते हैं। कई परिवारों में बालकों की शिक्षा को बालिकाओं की तुलना में ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। समाज और विद्यालय में मौजूद भेदभावपूर्ण रवैये की वजह से बालिकाओं की सहभागिता दर और विद्यालय में मौजूदगी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बालिकाओं के विद्यालय छोड़ देने का दर भी लड़कों की तुलना में ज़्यादा होता है। अक्सर ही बालिकाओं से यह उम्मीद की जाती है कि वो घर के कामों में मदद करें और अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करें। कन्या भ्रूण हत्या इसी मानसिकता का एक दुष्परिणाम है जो बच्चों के जीने के अधिकार का हनन करता है। समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता और पुत्र मोह की आकांक्षा में कन्याओं को गर्भ में ही मार दिया जाता है। तकनीकी विकास का दुरुपयोग करके और लिंग की जांच करवाकर पक्षपाती लिंग चुनाव करने के कई मामले हमारे देश में प्रकाश में आते रहते हैं। यद्यपि भारत सरकार द्वारा बाल अधिकार हनन के रोकथाम के लिए पीसी एंड एनटीडी कानून 1994 के तहत दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही का प्रावधान है, परंतु ऐसी घटनाओं को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं किया जा सका है। अभी तक हम लोगों ने ये समझा कि समाज में व्यापक तौर पर किस प्रकार बाल अधिकार का हनन हो रहा है। विद्यालय भी समाज का ही भाग होते हैं, परंतु विद्यालयों में बाल अधिकार का हनन किस प्रकार होता है यह हम अलग से समझने की कोशिश करेंगे। विद्यालयों में इधर हाल के दिनों में बाल अधिकारों के हनन के अतिवादी घटनाएँ प्रकाश में आई हैं, जैसे विद्यालय परिसर में बच्चे की संदिग्ध अवस्था में हत्या होना, बच्चे का सीढ़ियों से फिसलकर गिरने पर मृत्यु होना आदि। यह बच्चों के सुरक्षित जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन है। विद्यालयों का ये दायित्व बनता है कि वे बच्चों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करें। दंड रहित और भयमुक्त वातावरण में शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन भी हमारे विद्यालयों में देखने को मिलता है। भारत में आरटी एक्ट 2009 के तहत विद्यालयों में शारीरिक उत्पीड़न और मानसिक उत्पीड़न दंड मुक्त शिक्षा का प्रावधान है, लेकिन इसके उल्लंघन के कई मामले सामने आते रहते हैं। जैसे गत वर्ष देहरादून के एक निजी विद्यालय में 40 बच्चों के बाल एक साथ काटे जाने का मामला प्रकाश में आया। कई तरह से दंड देने के तरीके अभी भी हमारे विद्यालयों में प्रचलन में हैं, जैसे बच्चे को कुर्सी या बेंच पर खड़ा कर देना, स्कूल बैग को सर पर रखकर खड़े होने को कहना, पूरे दिन धूप में खड़े रखना, मुर्गा बनाना, हाथ ऊपर करके खड़े रहना, पेंसिल को मुंह में दबाकर खड़े रहना, उठक बैठक करवाना, कान ऐंठना, चिकोटी काटना, छड़ी से मारना, डांटना, विपरीत लिंग के बच्चे से थप्पड़ मरवाना, कुछ दिनों के लिए उन्हें सस्पेंड कर देना, लड़कों के शर्ट उतरवाना, बच्चे को अंधेरे कमरे में बंद कर देना, बच्चे को क्लासरूम के ज़मीन पर दंड स्वरूप बैठाना इत्यादि। कई तरीके से हम विद्यालयों में बच्चों को दंड देते हैं, यह उनके अधिकारों का उल्लंघन है। छात्र छात्राओं के साथ शिक्षकों या प्रशासकों द्वारा छेड़छाड़ के भी कई मामले प्रकाश में आते रहते हैं। विद्यालयों में कई ऐसे भी मामले प्रकाश में आते हैं जिसमें बच्चों की जाति और लिंग के आधार पर उनके साथ शिक्षक, स्कूल के प्रिंसिपल तथा अन्य साथियों द्वारा भेदभाव किया जाता है। इसी क्रम में हम ये भी समझेंगे कि मिड डे मील के अंतर्गत खाने की खराब गुणवत्ता, पुस्तकों और पाठ्य सामग्री का समय पर वितरण नहीं होना
इत्यादि भी बाल अधिकारों के उल्लंघन का ही मामला है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बालकों और बालिकाओं के लिए प्राइवेट स्कूल में 25% आरक्षण का क्रियान्वयन नहीं होना भी बाल अधिकारों के उल्लंघन का ही मामला है। इसी प्रकार आरटीई एक्ट के तहत किए गए किसी भी प्रावधान का ठीक तरीके से क्रियान्वयन नहीं होना, जैसे शिक्षकों की पर्याप्त संख्या में नियुक्ति नहीं होना, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होना या किसी अन्य तरह की सुविधा नहीं होना भी बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन माना जाता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने ये समझने की कोशिश की कि हमारे समाज और विद्यालय में बाल अधिकारों का हनन किस प्रकार होता है। आशा है आपके लिए यह चर्चा उपयोगी सिद्ध हुई होगी। अगली बार किसी और विषय के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। धन्यवाद।